मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, अक्सर लोग एक गिल्ट के शिकार होते हैं, और वो गिल्ट ये होता है कि सिस्टर खदीजा, ये डिसीजन हमने कैसे ले लिया गलत लाइफ में, यू नो, मैरिज का डिसीजन, या तो बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, या तो एनीथिंग, यू नो, ये डिसीजन हमसे गलत हो गया। तो आज हम दो चीजें समझेंगे कि पहले तो एक इंसान अगर अनपढ़, गवार, जाहिल भी है, तो वो कभी भी डिसीजन वो वक्त के लिए जो लेता है ना, जिस वक्त में वो डिसीजन लेता है, वो कभी गलत नहीं लेता। उस वक्त के हिसाब से वो डिसीजन 100% करेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं अपनी लाइफ को इसके अंदर झोंक डालूं, या तो तबाह कर दूं या बर्बाद कर दूं। Nobody, ये अपना इंस्टिंक्ट है, हर इंसान को अपना फायदा देखना आता है। तो उस मौके के लिए जो डिसीजन उसने लिया, जब भी उसने डिसीजन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैरिज में अगर 5 साल पहले आपने कुछ डिसीजन लिया, तो वो टाइम के लिए वो डिसीजन 100% आपने बराबर लिया, सब कुछ इवेल्युएट करके, ठीक है। क्योंकि ये डिसीजन से आपको क्या चाहिए था, जॉय चाहिए था। आदमी जिससे आप शादी कर रहे हो या औरत जिससे आप शादी कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट, बट आपको आपका 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 मकसद क्या था कि ये रिलेशनशिप से मुझे जॉय मिले, प्लेजर मिले, हैप्पीनेस मिले, पीस मिले। सो डिसीजन इज ऑलवेज डन इन रिस्पेक्ट टू व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू वांट। नाउ अगर डिसीजन लेने में आपने बहुत सारी एनर्जी लगा दी, ओके, बाल की खाल निकाल देते हैं कोई लोग, यू नो, इतना 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 अंदर जाते हैं कि मतलब डिसीजंस ले ही नहीं पाते, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डिसीजन ले लाइफ में, और वो डिसीजन के ऊपर बिलीव करे। डिसीजन लेने से ज्यादा डिसीजन को राइट करने में ज्यादा अपनी एनर्जी लगाए, बिकॉज इट इज आवर डिसीजन, सो यू हैव टू मेक इट करेक्ट। नाउ व्हेन आई से मेक इट करेक्ट, तो अगर सपोज शादी के लिए आपका मकसद था जॉय एंड हैप्पीनेस, वो टाइम के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन इन द लाइफ अगर वो आपको नहीं मिल रहा है, तो यू पुट एन एनर्जी, यू पुट एफर्ट्स टू गेट व्हाट यू वांट, और तभी भी जाके अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, तो देन यू हैव अ चॉइस व्हाट टू डू, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डिसीजन गलत था, ये गिल्ट का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डिसीजन देर इज नथिंग कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग। जब हम बोलते हैं कि रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तो हम गिल्ट का शिकार हो जाता है। डिसीजन वॉज डिसीजन, यू हैव टू मेक इट करेक्ट बिकॉज इट इज योर डिसीजन, एंड इफ यू कैनॉट मेक इट करेक्ट आफ्टर पुटिंग फुल 100% ऑफ योर सेल्फ, देन लाइफ ऑलवेज गिव्स यू अ चॉइस, बिकॉज आपका इंटेंशन किसी भी चीज के अंदर, जो फाइनल इंटेंशन था वो डिसीजन लेने में, अगर वो नहीं मिल रहा है 100% देने के बाद, सो यू आर फ्री टू चूज। बट गिल्ट के शिकार होना, वही के ऊपर वही के वही स्टक रहना, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया।